मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता और आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम। ये तो आपको आप सबको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको हमेशा हमारे घर में स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं अभी, तो मैं अभी आई हूं लंच बनाने के लिए। आज है सैटरडे, तो आज मैं लंच में क्या क्या बन रहा है आप लोग कुछ किचन में मेरा दिखाई दे रहा है। राइस चढ़ा दिया है मैंने कुकर में, पोटैटोस को बॉईल करने के लिए डाल दिया है, और वो है कॉलीफ्लावर, फ्रीज में था। ठंडी इतनी बढ़ गई है ना, ठंडी बिल्कुल पड़ नहीं रही थी पर अचानक से इतनी ठंडी पड़ रही है कि हाथ ठंडा है, इसलिए हाथ कोलैप्स जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। बेटा आपकी थोड़ी सर्दी कम हो जाए तो हम आपको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। और आज रोटियाँ भी बनेगी, बेटे के लिए बन रहा है राइस, और उसके मम्मी पापा के लिए बन रहा है रोटी और कॉलीफ्लावर की सब्जी, और सब्जी के लिए ही मैंने पोटैटोस को बॉईल कर दिया है। तो और क्या है अपडेट, टीवी, बेटा टीवी देख रहा था, सैटरडे है, वो स्कूल से जल्दी आ जाता है, वो टीवी देख रहा था, तो टीवी का केबल कुछ प्रॉब्लम हो गया, चला गया, इसीलिए वो भी चला गया। और सारे कपड़े कहाँ गए, शायद बेटे ने रख दिया है फोल्ड करके, उसने अपने कपड़े फोल्ड करके रख दिए। ये सब मेरे कपड़े हैं, और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह साफ करके रखे हैं, ये सबको रखना है। तो आज ये सारे छोटे छोटे काम ख़त्म करने हैं, तो आप सब भी मेरे साथ बने रहिए। और आप लोग मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। टिकटॉक पे मैं तकरीबन वीडियोस डालने की कोशिश करती हूँ, इतना तो अच्छा बना नहीं पाती, फिर भी अपने लेवल पे मैं ट्राई कर रही हूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। और क्या, बहुत दिनों से बातें नहीं की हैं ना आप लोगों से, तो बहुत ज़्यादा बातें करने का मन हो रहा है। और मेरा राइस अभी तक बॉयल होने के लिए तैयार हो रहा है, 80% गर्म हो चुका है। और हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और टिकटॉक आईडी सारे सेम है, मैं सब में एक ही नाम रखती हूँ। आप श्वेता दिनेश पत्रो टाइप कीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। गूगल पे भी आप ट्राई मारेंगे तो मेरा आ जाएगा। थक गई नॉन स्टॉप बातें करते करते, है ना। तो आज के लिए बस मेरा प्रवचन इतना ही, देखते हैं काम कैसे होता है। तो देखिए पोटैटोस बॉयल हो चुके हैं, कॉलीफ्लावर को मैंने पीसेस में टुकड़े टुकड़े काट दिया है, और यहाँ पे फ्राई हो रहा है कॉलीफ्लावर। तो इसके लिए मैं टमाटर और ऑनियन को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना पड़ेगा। और राइस भी बन चुका है, इसे होते होते मैं बीच में ही आटा घोल कर रोटी या पराठा देखूँगी क्या बनाती हूँ। तो बस चल रहा है आधा अधूरा काम चल रहा है, आधा अधूरा बाकी है।
थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज हो गया है क्योंकि अभी रोटी बनाने के लिए मना कर दिया उन्होंने और बोला सिर्फ राइस रसम और कॉलीफ्लावर फ्राई बना दो, और मैंने कुछ बढ़िया भी थी उसे भी फ्राई कर लिया है। तो आज का लंच बस इतना ही, तो फ्राई देखिए कैसे बनता है, बनाती हूँ। वेलकम बैक। तो अभी रात हो चुकी है, आपको मेरा फेस देख के तो लग रहा होगा। अभी मैं आपको इसके बैक कैमरा तो नहीं हो रहा है पर 1:20 हो रहा है रात को, तो मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ और डिनर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ी देर रुकी, मैं लाइट लगा रही हूँ। हाँ, 1:30 बज रहे हैं, वहाँ पर बेटा टीवी देख रहा है, कल संडे है इसीलिए वो टीवी देख रहा ना, मतलब आवाज़ बहुत आ रही है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही है, मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। और रात को खाने में भी कुछ ज़्यादा नहीं था, पराठे बनाए थे, सुबह का कॉलीफ्लावर फ्राई था, पराठे बनाए थे और एक मशरूम करी पार्सल लेकर आ गए, वो मिलाकर खा लिया था। तो बस इतना ही। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।